हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आज की वीडियो में हम स्क्विंट से रिलेटेड ही एक टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्क्विंट के बारे में कि सर हमारे आँख में कम दिखता है, हमारी आँख में स्क्विंट है, तो सर्जरी कराने के बाद क्या हमारी आँख की नज़र पूरी वापस आ जाएगी। या फिर बहुत लोगों का ये डाउट है कि क्या सर चश्मा लगाने के बाद हमारा स्क्विंट पूरा ठीक हो जाएगा, या फिर स्क्विंट की सर्जरी के बाद क्या हमको चश्मा लगेगा, और भी बहुत सारे डाउट हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि स्क्विंट की सर्जरी का और चश्मे का जो रिलेशन है वो क्या है, दोनों अलग अलग हैं या दोनों कंबाइंड है, या फिर चश्मा लगाने से हमारी आँख का जो स्क्विंट है वो ठीक होगा या नहीं होगा, या फिर स्क्विंट की हम अगर सर्जरी करवा लेते हैं तो उसके बाद भी क्या हमको चश्मा लगेगा या नहीं लगेगा। आज की वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में इन टॉपिक्स पे बात करते हैं और अच्छे से मैं आपको कोशिश करता हूँ कि समझाने की आप चश्मे का नज़र और स्क्विंट का जो भेंगापन है उन दोनों को कोरिलेट आप ना करें, उन दोनों को मिक्स ना करें, वो मैं आज आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊँगा। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि जो हमारी आँख में जब हमारा भेंगापन होता है तो उसका हमारी नज़र पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, चश्मे से क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जब हमारी आँख में भेंगापन होता है हमको टेढ़ा दिखाई देता है, हमारी आँख इजोफोरिया, एक्सोफोरिया या फिर इजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया इनमें से किसी भी एक कंडीशन में होती है। जैसा कि हमारी आँख, मान लीजिए ये हमारी आँख है, ये आँख सीधी है हमारी नॉर्मल कंडीशन में, हमारी आँख एक्सोफोरिया कंडीशन या एक्सोट्रोपिया में अगर है तो हमारी आँख बाहर की तरफ होगी। एक्सो का मतलब बाहर होता है, आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो अगर हमारी आँख एक्सोफोरिया कंडीशन में है, जब हमारी दूसरी आँख सीधे देख रही है पर हमारी जो स्क्विंट आई है वो बाहर की तरफ रहती है, तो हमारी आँख में क्या होता है, हमारे पर्दे में, हमारी नज़र में उससे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। जब हमारी एज कम होती है, हम लोग बच्चे होते हैं, तो जो नॉर्मली हमारी आँख जब सीधी होती है तो जो हमारी लाइट हमारी आँख के अंदर आती है उसके बाद वो हमारी लाइट हमारे पर्दे पे आके टकराती है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो मैक्यूला होता है, फोविया होता है, ये जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा इमेज बनती है, सबसे ज़्यादा रॉड्स एंड कॉन्स इस जगह पाए जाते हैं, जो डेवलप होना हमारा बहुत ज़रूरी है जिससे हमारी आँख की नज़र पूरी डेवलप होती है। जब हमारे बच्चे को या हमको अगर बचपन से स्क्विंट होता है, हमारी आँख सीधी के बदले अगर बाहर की तरफ है, एक्सोफोरिया है या एक्सोट्रोपिया है, तो आप देखेंगे जो लाइट पहले हमारा सीधा आके मैक्यूला पे पड़ रही थी सीधी आईबॉल के कंडीशन में, अब जब हम बचपन से ही हमारी आँख बाहर की तरफ है तो हमारी जो लाइट आ रही है वो यहाँ से इमेज तो सीधे से आएगी, तो इमेज जो आएगी वो आईबॉल के होने के बाद मैक्यूला पे, ऑप्टिक डिस्क, फोविया पे ना जाके वो इमेज कुछ यहाँ बनेगी। जब इमेज यहाँ बनेगी तो हमारा मैक्यूला डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है हमारी आँख का जो पूरा पर्दा है, जो हमारा पूरा रेटिना है, वो पूरा डेवलप ना हो पाए। हो सकता है जिसकी वजह से आपका डेवलप ना होने के कारण जब आप एडल्ट एज के बाद अपना स्क्विंट की सर्जरी कराते हैं और आँख को अपना एक्सोफोरिया या एक्सोट्रोपिया मतलब बाहर की साइड से अंदर की सीधा कराते हैं, तो उसके बाद आपकी आँख तो सीधी हो जाती है पर जो आपका पर्दा, जो आपका फोविया और मैक्यूला डेवलप नहीं हो पाया, वो अब फिर से डेवलप नहीं हो सकता। तो ये हर पेशेंट की सेम कंडीशन नहीं होती, जिनका बचपन में फोविया और मैक्यूला डेवलप हो चुका है, जिनकी आँख बचपन में सीधी थी, पूरी लाइट उनकी आँख में जा रही थी और उनके ये पार्ट डेवलप हो चुके हैं, उन पेशेंट में नज़र की, विज़न की प्रॉब्लम उनको देखने को नहीं मिलेगी। उनकी नज़र जब स्क्विंट ठीक होगा तो उनकी नज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत सारे पेशेंट में, बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि उनका विज़न 6x6 पूरा विज़न नहीं हो पाता, उनका थोड़ा बहुत विज़न कम रह जाता है, ये बहुत सारे केसेस में देखा जाता है। तो वो आप, अगर आपके मन में डाउट है कि क्या स्क्विंट की सर्जरी कराने के बाद हमारी आँख ठीक हो जाएगी, या फिर अगर स्क्विंट से पहले जब आपको स्क्विंट है तो डॉक्टर आपको चश्मे का नंबर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जिससे आपके डॉक्टर बताता है कि जिसकी वजह से आपका स्क्विंट थोड़ा ठीक होगा,
आपके आँख के भेंगेपन में थोड़ा आराम मिलेगा। चश्मे से जो भेंगेपन में आराम मिलता है वो ज़्यादातर इज़ोफोरिया और इज़ोट्रोपिया वाले केस में मिलता है, जो नॉर्मली हमको आँख देखने में बाहर की तरफ नहीं दिखती। उन केसेस में अगर आपको ये लगता है कि आफ्टर ऑपरेशन आफ्टर सर्जरी क्या आपका चश्मा भी हट जाएगा, तो जो नंबर स्क्विंट की वजह से हमको देना पड़ा है बस वो हटेगा, बाकी जो नंबर आपके पर्दे की वजह से है, जो नंबर आपके अंदर से है वो आपका नंबर नहीं जाएगा, जो नंबर आपके कॉर्निया की वजह से वो नंबर नहीं जाएगा। वो हम ऑपरेशन के बाद ही डिसाइड करेंगे कितना नंबर आपको आएगा कितना नंबर रह जाएगा, वो ऑपरेशन से पहले नहीं बता सकते। और बाकी हर पेशेंट की आँख की कंडीशन अलग होती है, हर पेशेंट के पर्दे का सिस्टम अलग होता है, तो हम बिना चेक करे किसी पेशेंट का नहीं बता सकते कि आपका स्क्विंट के बाद चश्मा लगेगा या चश्मा नहीं लगेगा। आपका स्क्विंट से पहले अगर चश्मा लगाए तो क्या स्क्विंट के बाद चश्मा आपका उतर जाएगा या नहीं उतरेगा, या फिर स्क्विंट के बाद आपकी कितनी इमेज आएगी, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन के बाद ही बता सकते हैं और सर्जरी होने के बाद ही बता सकते हैं, और बिना आँख देखे बिना पूरी एग्जामिनेशन करे ये चीज़ हम आपको नहीं बता सकते। ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के डाउट रहते हैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी एग्जामिनेशन होने के बाद ही आपकी आँख का अच्छे से बताया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।